हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 28 फरवरी 2019 और यह हमारी 86वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन के अलावा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे NBT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है गोविंद प्रसाद शर्मा को। हाल ही में बलदेव शर्मा की जगह NBT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये NBT क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म बता दें। NBT का फुल फॉर्म होता है नेशनल बुक ट्रस्ट और इसका अध्यक्ष हाल ही में गोविंद प्रसाद शर्मा को बलदेव शर्मा की जगह बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में किस महिला को अमेजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है इंदिरा नोई। हाल ही में इंदिरा नोई को अमेजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। ये पहले पेप्सिको की CEO थी, हाल ही में अमेजन से जुड़ी है और यहाँ ये ऑडिट कमेटी की सदस्य होंगी। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है इंदिरा नोई और इन्हें हाल ही में अमेजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किसने गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं। इन्होंने 2015 से लेकर 2018 तक के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब ये कौन कौन से पुरस्कार किसे दिए गए हैं आपको इसके बारे में बता दें। 2015 के लिए विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी है इसे गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन व सुलभ इंटरनेशनल को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। एकल अभियान ट्रस्ट के लिए 2017 में गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा और योही सकाकावा को 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है हाल ही में 2015 से 18 तक के लिए हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस क्रिकेटर को ICC ने 2 साल का बैन लगाया है? जिसका सही ऑप्शन है सनत जयसूर्या। हाल ही में सनत जयसूर्या पर ICC ने 2 साल का बैन लगाया है। आपको बता दें ICC ने 2 साल का प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, तो इसका मुख्य रीजन है जो मैच फिक्सिंग कमेटी होती है ICC की, उसमें सनत जयसूर्या ने सहयोग नहीं किया गया था जिस कारण इन्हें ICC ने 2 साल का बैन लगाया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है सनत जयसूर्या जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। अब बात आई है ICC की, तो आपको ICC का फुल फॉर्म बता दें। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और इसकी स्थापना यानी ICC की स्थापना 1909 में की गई थी और हेडक्वार्टर है दुबई में। और आपको बता दें ICC के चेयरमैन है शशांक मनोहर। तो इतना आपको ICC के बारे में याद रखना है और साथ ही ये याद रखना है कि हाल ही में सनत जयसूर्या जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थे उन्हें ICC ने 2 साल का बैन लगाया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत ने किस देश पर हाल ही में दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की है? इसका सही ऑप्शन है पाकिस्तान। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारतीय एयरफोर्स ने बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ के साथ इस स्ट्राइक को सफल बनाया, साथ ही जैसे मोहम्मद के ठिकानों को भी तबाह किया। आपको बता दें इस हमले में मिराज 2000 वायुयान का उपयोग किया गया था। आपको इसके बारे में याद रखना है यह वायुयान 47 फीट लंबा है और 7500 किलोग्राम वजनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह मिराज 2000 47 फीट लंबा है और 7500 किलोग्राम वजनी है और इसे फ्रांस की कंपनी डेसो ने बनाया है और इसी से भारत ने पाकिस्तान पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में आई हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में कौन टॉप पर है? जिसका सही ऑप्शन है
जेफ बेजोस। जेफ बेजोस हुरिन ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में टॉप पर हैं। ये अमेजॉन के प्रमुख हैं और ये लगातार इस लिस्ट में दूसरी बार टॉप पर आए हैं। आपको बता दें, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। और पहले नंबर पर हैं जेफ बेजोस, दूसरे पर हैं बिल गेट्स, और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ये हैं 8वें नंबर पर। तो इतना आपको इस लिस्ट के बारे में याद रखना है कि इसमें पहले नंबर पर आए हैं जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है भोपाल। हाल ही में भोपाल में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है। डिजाइन संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान को बनाया गया है। राष्ट्रीय डिजाइन नीति 2007 के अंतर्गत भोपाल, जोरहट, अहमदाबाद, अमरावती और कुरुक्षेत्र में यह यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, भोपाल में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भोपाल में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश के बीच संप्रति युद्ध अभ्यास किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 से 15 मार्च के बीच यह संप्रति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। बांग्लादेश के तांगेल में यह युद्ध अभ्यास किया जाएगा और संप्रति युद्ध अभ्यास का 2019 में 8वां संस्करण होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच 2 से 15 मार्च के बीच बांग्लादेश के तंगेल में आयोजित किया जाएगा और यह संप्रति युद्ध अभ्यास का 8वां संस्करण होगा। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो मैप में आपको बांग्लादेश के बारे में बता दें, ये जगह है बांग्लादेश को दर्शाती है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अफगानिस्तान ने किस बंदरगाह से नया निर्यात मार्ग लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है चाबहार बंदरगाह। हाल ही में अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह को निर्यात के लिए लॉन्च किया है। ये बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है और ईरान में ही यह बंदरगाह स्थित है। इसी बंदरगाह से भारत अब अफगानिस्तान या अफगानिस्तान अब भारत के साथ निर्यात और आयात करेगा। आपको बता दें, भारत ईरान और अफगानिस्तान के रिश्ते को यह बंदरगाह बहुत मजबूत करेगा। अब बात आई है अफगानिस्तान की, तो मैप में आपको अफगानिस्तान के बारे में बता दें, ये जगह है अफगानिस्तान को दर्शाती है। राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। तो इतना आपको अफगानिस्तान के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है नितिन गडकरी। हाल ही में नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और पुनर्जीवन मंत्री हैं नितिन गडकरी और हाल ही में इन्होंने 82 पुरस्कार यानी 82 पुरस्कार 14 कैटेगरी यानी 14 कैटेगरी में दिए हैं। इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2007 में की गई थी और आपको बता दें, यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो इतना आपको राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में याद रखना है। इसे हाल ही में नितिन गडकरी ने 82 पुरस्कार दिए हैं जो 14 अलग अलग कैटेगरी में दिए हैं और इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कहां विश्व की सबसे बड़ी गीता का विमोचन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। हाल ही में ईस्ट कैलाश में स्थित, जो दिल्ली में है, दिल्ली के ईस्ट कैलाश में स्थित एस्कॉन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी गीता का विमोचन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
आपको बता दें, यह गीता 800 किलोग्राम वजनी है और 3 मीटर लंबी है। इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आपको याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी जो गीता है उसे हाल ही में दिल्ली में विमोचन किया गया और यह गीता 800 किलोग्राम वजनी है और 3 मीटर लंबी है और इसका विमोचन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12, समता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का समता स्थल, ये इनकी समाधि स्थल है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट, चंद्रशेखर आजाद और ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है एकता स्थल, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट और शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है समता स्थल। तो आपको इतना इन चारों के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।